तो क्या आपको पता है कि हर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लाल रंग की ही क्यों होती है? और क्या आपको यह भी पता है कि इंडियन जर्सी के लोगों के ऊपर ये 3 स्टार्स का क्या मतलब है? तो आज की इस वीडियो में हम यही रोमांचक फैक्ट जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्या आप जानते हैं हनुमान जी की मूर्ति लाल रंग की ही क्यों होती है? इसके पीछे एक रोमांचक कहानी है। एक समय की बात है, हनुमान जी ने सीता माँ को अपने सर पर लाल सिंदूर लगाते देखा। तब उन्होंने सीता माँ से पूछा कि माँ, आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तब सीता माँ ने उनको मुस्कुराते जवाब दिया कि मैं श्री राम की लंबी आयु के लिए इस सिंदूर को लगा रही हूँ। फिर क्या, एक बहुत बड़े राम भक्त ने अपना पूरा शरीर लाल रंग से ढक दिया। इसीलिए हमेशा कोई भी मंदिर या धर्म स्थल में श्री राम की मूर्ति लाल रंग की ही होती है। फैक्ट नंबर 2, आपने क्रिकेट तो इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा होगा और आपने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी भी देखी होगी। तो क्या आपको पता है इस जर्सी के लोगों के ऊपर यह 3 स्टार्स क्या मतलब के हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंडियन जर्सी के ऊपर ये 3 स्टार्स बताते हैं कि इंडिया ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। 2 बार एक 50-50 ODI वर्ल्ड कप और 1 बार T20 वर्ल्ड कप। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी ना कभी तो प्लास्टिक के पानी की बॉटल खरीदी ही होगी और उसमें आपने एक्सपायरी डेट भी नोटिस करी होगी। वह एक्सपायरी डेट उस पानी की नहीं होती, पर वो एक्सपायरी डेट उस बॉटल की होती है। अगर हम एक्सपायरी के बाद भी उस बॉटल को यूज़ करें तो जो केमिकल्स उस बॉटल को बनाने के काम आए हैं वही केमिकल्स हमारे पानी में चले जाते हैं और हमारा पानी पॉल्यूट कर देते हैं। हमारा पानी कभी भी खराब नहीं होता, सिर्फ उसमें जर्म्स आ जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी प्लास्टिक की बॉटल एक्सपायरी के बाद यूज़ नहीं करनी चाहिए।